नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के 35 दिन बाद बहुत बड़ी राहत भरी खबर। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को उसके घर जाने की मंजूरी। फैसले से 10 लाख लोगों को राहत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार के कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घर को जा सकते हैं, बशर्त उसके लिए राज्य सरकार बसों का इंतजाम करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश बुधवार को जारी हुआ। मंत्रालय ने 6 पॉइंट की गाइडलाइंस राज्य को भेजी हैं। उसमें बताया गया है कि ये गाइडलाइन कैसे सरकारें इसे फंसे हुए लोगों को उसके घर तक पहुंचाने में काम करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार सरकार ने इन फैसले में देश भर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं, सैलानियों को राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट क्या है हम डिटेल बार बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करें। ये अथॉरिटी क्या काम करेगी उसको आप में बताएंगे कि ये अथॉरिटी वहाँ पर फंसे हुए लोगों को रजिस्ट्रेशन करेगी। इसके साथ ही दूसरा, अगर वह कोई समूह वहाँ पर फंसा है और मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकार पूरे समूह को सहमति के साथ उन्हें जाने की छूट दे देती है। इसके साथ में तीसरी पॉइंट है दोस्तों कि फंसे हुए सभी लोगों को पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यदि आपको बुखार है, छोटा मोटा कुछ बीमारी है तो आपको वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको रोक दिया जाएगा। जिससे इसके साथ में आगे की गाइडलाइंस है दोस्तों कि जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी वह पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा और अंदर भी लोगों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन कराया जाए। इसके साथ में राज्य सरकार फंसे हुए लोगों को उन्हें घर पहुँचाने के लिए कौन सा रूट है और राज्य सरकार खुद तय करेगी। इसके साथ ही अगला नोटिफिकेशन है दोस्तों कि घर पहुंचते ही लोगों की जांच फिर होगी, उसके बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रखना होगा। इस बीच लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा के लिए डाउनलोड करके ऑन रखना होगा ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। आपको बता दें कि पहले भी 2 बार इस तरह की छूट का ऐलान सरकार कर चुकी है। इसके पहले भी सरकार ने लॉकडाउन के बीच कई तरह की छूट का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल निर्माण, जेम्स ज्वेलरी जैसे बड़े 15 उद्योगों को काम करने की छूट दी थी। कृषि कार्य, ग्रेसरी दुकानें खोलने, लगभग सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी छूट दी थी। मंगलवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वह सुरक्षा उपाय के साथ अपने अस्पताल, क्लिनिक खोल सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि दोस्तों, जो बीच में 10 लाख लोग फंस गए हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको वीडियो में नीचे भेज दूंगा। यदि आप कई बार फंसे हुए तो वीडियो को जरूर देखे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।